हाय एवरीवन, वेलकम टू डीवर ब्लॉग। सो आज का क्वेरी लेने वाला हूँ जिसमें जो है पूछा है डू वी हैव टू पे फॉर लैपटॉप रिप्लेसमेंट इन कॉग्निजेंट और व्हाट। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो ये वीडियो में आप बने रह सकते हैं। सो सिमिलर क्वेश्चन एक और आ रहा था कि डू वी हैव टू पे फॉर लैपटॉप इन कॉग्निजेंट, इन विप्रो, इन TCS और एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर मैं दूंगा, नहीं, आप लोग को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। इन केस अगर आपको लैपटॉप न्यू मिलता है तो वो कॉग्निजेंट के तरफ से या फिर विप्रो की तरफ से या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके तरफ से जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है बिकॉज आप उसके लिए काम करोगे। सो ये जो है फर्स्ट हाफ क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन जो रिप्लेसमेंट का था, अगर आपको लेट से कोई लैपटॉप मिला है या फिर सिस्टम मिला है और वो सिस्टम में कोई इशू आ रही है तो आप उसको जो है जो भी टीम है उनसे कांटेक्ट करके आप उनको बोल सकते हो रिप्लेसमेंट के लिए जो है वो लोग टिकट वगैरह जो है रेस करके वो जो है इनिशिएट कर देंगे। उनके एंड से वो जो है इनिशिएट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका न्यू लैपटॉप या फिर जो भी लैपटॉप है वो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा पूरा। सो जो भी आपको लैपटॉप मिला है उसको जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा नए लैपटॉप के साथ। सो इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। इन केस अगर आपका लैपटॉप वगैरह कोई लेट से अगर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई है जो कि आपके थ्रू आया, लेट से लैपटॉप चोरी हो गया या फिर लैपटॉप जो है आपसे टूट गया है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में कभी और बताऊंगा। सो इस वीडियो में जो है नेक्स्ट लैपटॉप के ऊपर ही एक और क्वेश्चन क्वेरी रेज हो रही थी कि लैपटॉप जो है ऑन एन एवरेज कितने दिन में मिलता है, लेट से अगर फ्रेशर है या फिर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। तो बेसिकली दो कंडीशन होते हैं अगर आप जो है एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट जब ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो है बेंच पीरियड, अगर उनको जो है बेंच पीरियड में डाल दिया जाता है तो उनको जो है लैपटॉप उस टाइम पे नहीं मिलती है। बेसिकली जब आप बेंच पीरियड से आउट होते हैं, जब आप प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होने वाले होते हैं या फिर हो जाते हैं तब जो है आपको लैपटॉप दिया जाता है। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज अगर बोले तो ज्वाइनिंग के आप जो है लेट से अगर विद इन 1 वीक जो है आप डिप्लॉय कर दिए जाते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, तो आपको जो जिस दिन प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो गए उसके जो है उसी दिन जो आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, लैपटॉप वगैरह प्रोसेस कर दिया जाएगा आपके हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा और आपको जो है विद इन 4 और 5 डेज जो आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है 10 to 15 डेज लगता है लैपटॉप मिलने में। ताकि इंटर्नशिप में जो है लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे कि नहीं प्रोवाइड करेंगे, अगर आप एज ए इंटर्न ज्वाइन किए हैं कॉग्निजेंट तो आपको जो है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए, यानी कि जो भी आपका इंटर्नशिप फ्रॉम होम है उसके लिए जो है आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। सो बेसिकली उन लोगों को लैपटॉप मिलेगा जो फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं कॉग्निजेंट या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी फुल टाइम एम्प्लॉय जो भी होते हैं कॉग्निजेंट में सेलेक्टेड उनको जो है लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड करते हैं और अदर एक्सेसरीज। फिलहाल वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन है इसलिए जो है आपको ऑनलाइन ये सभी मिल रही है। अगर आप ऑफलाइन ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, जब मैं ज्वाइन किया था एक कंपनी तो मुझे क्या क्या मिला था, सिमिलरली कॉग्निजेंट में भी वैसे ही होता है। सो उस समय जो है मुझे सबसे पहले ज्वाइनिंग किट में क्या मिला था, एक डायरी मिला था, पेन मिला था, कॉफ़ी मग मिला था, प्लस बॉटल भी मिला था। सो ये सब एक्सेसरीज मिला था, प्लस आई कार्ड और फूड कार्ड अगर ऑप्शन रहा आपके ऑफिस में तो फूड कार्ड वगैरह भी जो है आपको मिलता है अगर आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो। और बाकी आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट या फिर एज अ फ्रेशर अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग वगैरह के लैपटॉप और डेस्कटॉप, मैक्सिमम केसेस में फ्रेशर को ऑफिस में अगर ज्वाइन करता था तो लाइक डेस्कटॉप ही मिलता है मैक्सिमम केसेस में। सो आपको डेस्कटॉप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दे दिया जाता है, उस लोकेशन पे आप ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं। सो बेसिकली ये सभी किट जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात हो गई, लाइक वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन की बात हो गई और वर्क फ्रॉम ऑफिस सिचुएशन की बात हो गई। सो फाइनली लाइक वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन में जो है 10 to 60 डेज जो है लगती है आपको वर्क फ्रॉम होम किट मिलने में। मुझे कितना दिन लगा था, मेरे केस में जो है ये ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज आई थिंक लगा था। एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आपको जो है ट्रेनिंग के लिए लैपटॉप जो है विद इन जब भी ट्रेनिंग वगैरह असाइन होगा उसके पहले आपको मिल जाएगा। और एज अ एक्सपीरियंस अगर ज्वाइन कर रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट जो है कन्फर्म है, जो भी प्रोजेक्ट में आप जा रहे हैं उसका जो भी क्लाइंट इंटरव्यू वगैरह होता है वो आप क्लियर कर चुके हैं तो आपको जो है तुरंत शिफ्ट करने का जो है वो कोशिश करते हैं। जितना जल्दी वो शिफ्ट करेंगे उतना जल्दी आप काम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो।
नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा पीजीबी प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। प्रीवियसली जो है मैं 3 महीने पहले जो है एक वीडियो अपलोड करके रख चुका हूँ इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो पार्ट टू हो जाएगी, जिसमें जो है मैं कुछ और भी एक्सप्लेन किया हूँ डिफरेंट चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए बीजीपी अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर जो है करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में जो है आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, लगभग 1 लाख जो है उसमें व्यूज़ आ चुकी है अभी तक, और इस तरह का कंटेंट जो इस चैनल पर आपको जो है मिलेगा इन फ्यूचर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, लेट्स मीट इन अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।